सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक कस्टमाइज टेम्पलेट डिज़ाइन किया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको उसका हेडर और फुटर डिज़ाइन करना बताया था, अब इसमें मैं इनसाइड का कंटेंट डिज़ाइन करना बताऊंगा आपको। तो हम अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आ जाते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। तो हम अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर लॉगिन हो चुके हैं और अब हमें ये वाला टेम्पलेट था हमारा, जिसको हमें सेम ऐसे ही डिज़ाइन करना है। हेडर पार्ट हो गया था हमारा और फुटर पार्ट भी कंप्लीट हो गया था। अब हमें ये बीच का कंटेंट डिज़ाइन करना है, तो इसको हम कैसे डिज़ाइन करेंगे वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये स्लाइडर पोर्शन बनाना होगा होम पेज पर, मेन बैनर। तो इसको बनाते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए हमें होम पेज ओपन करके और एडिट, या फिर हम एक न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। एक न्यू पेज हम क्रिएट कर लेते हैं, ऐड न्यू। और उस पेज का हम नाम दे देते हैं फ्रंट, फ्रंट नाम दे देते हैं उस पेज का और इसको हम पब्लिश कर देते हैं। तो ये पेज पब्लिश हो चुका है, इसको देख लेते हैं अभी कैसा दिख रहा है ये पेज। तो अभी ये हमारा इस टाइप से पेज दिख रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ सेटिंग करनी होगी। तो इसमें हमें एक तो ये टाइटल रिमूव करना है, तो उसके लिए हम टाइटल यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और उसके बाद साइड बार भी हमें नहीं चाहिए। लेआउट में हमें फुल विड्थ और स्ट्रेस्ड लेआउट चाहिए हमें, तो इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अब कैसा हमारा पेज दिख रहा है। तो अभी अब हमारा पेज ये ऐसा दिख रहा है, जो कि अच्छा दिख रहा है। अब हम इसके अंदर का कंटेंट हमें डिज़ाइन करना है सिंपल, और कुछ नहीं करना है। तो अब हम सिंपल यहाँ से क्लिक कर देते हैं एडिट विद एलिमेंट। और एडिट विद एलिमेंट जैसे हमने किया तो हमारे सामने आ गया ये पेज बनने के लिए। तो इसमें सबसे पहले जैसा कि हमने देखा थीम में, इस थीम को इधर कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले हमें एक इमेज चाहिए, उसके ऊपर ये टेक्स्ट राइट करना है, ये बटन लगाना है और फिर ये तीन सेक्शन बनेंगे, तो इसको भी हमें करना है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। एक इमेज, एक रो लेते हैं हम और रो लेने के बाद हम ये वाला टेक्स्ट ऐड करते हैं। इसको दो पार्ट में कर देते हैं, दो रो दो कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। एक कॉलम में हमारा टेक्स्ट आएगा, दूसरा कॉलम ये फ्री रहेगा ऐसे ही। तो इधर साइड में हमारा टेक्स्ट वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो हम ले लेते हैं टेक्स्ट को,
जो टैक्स था वहाँ पर वो ले लेते हैं। तो ये टैक्स तो हो गया हमारा, और इसका साइज़ हमें छोटा करना है तो इसका साइज़ हम छोटा कर लेते हैं। फॉन्ट की डिज़ाइन भी चेंज कर देते हैं, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली। ये फॉन्ट हम यूज़ करते हैं और साइज इसका हम कर देते हैं। ट्वेंटी साइज कर देते हैं और नॉर्मल इसको हम 400 कर देते हैं या 500, 600 सही लग रहा है, ठीक है। ये 600 इसका वेट कर देते हैं और ये अब लगभग इतना ही बड़ा ये लग रहा है। तो ये इस साइड में है, इसको पैडिंग अलाइनमेंट हम कर देते हैं इसका, तो ये लेफ्ट में आ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से एक हेडिंग हमें ये चाहिए, तो हम एक और हेडिंग ले लेते हैं और यहाँ पर हम वही टाइप कर देते हैं। अब हमें साइंस इज एक लाइन में चाहिए, क्यूरियोसिटी इन एक्शन दूसरी लाइन में चाहिए, तो साइंस इज के बाद हमें एक ब्रेक टैग लगाना होगा, उसके बाद साइंस इज एक लाइन में हो गया, क्यूरियोसिटी दूसरी लाइन में हो गया, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो इसके साइज़ को हम इनक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, ये साइज़ इंक्रीज़ हो गया। अब हमें एक इमेज चाहिए बैकग्राउंड में, बटन भी लगा देंगे, पहले एक इमेज ले लेते हैं बैकग्राउंड के लिए। तो यहाँ से आप क्लिक करिए और इस पर जाइए, यहाँ से ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में क्लासिक पर सेलेक्ट करिए और यहाँ से इमेज को इंसर्ट कर लीजिए। फ्री इमेजेस में से हम एक इसी टाइप की कोई इमेज ले लेते हैं, तो ये इमेज लेबोरेटरी की है, उसी टाइप की हम ले लेते हैं कोई इमेज। ये इमेज ले लेते हैं हम, ठीक है। या ये इमेज भी ले सकते हो लैब की, एक सेकंड हम लैब से सर्च कर लेते हैं कुछ इमेजेस, मेडिकल लैब। ये वाली इमेज हम इंसर्ट कर लेते हैं, तो इंसर्ट मीडिया पर हमें क्लिक करना होगा और ये देखिए ये इमेज इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। बैकग्राउंड में ये इमेज आ गई और इसका हम ओवरले बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया 50% ब्लैक ओवरले कलर। और उसके बाद हम देखते हैं कि देखिए ऊपर से ये पैडिंग करीब 100 पिक्सल की है, 120 पिक्सल, और यहाँ से भी नीचे से भी इतनी ही है, तो हम टॉप एंड बॉटम से पैडिंग दे देते हैं।
150 देखते हैं देखकर। और इस टेक्स्ट को वाइट कर देते हैं। और इसको भी वाइट, ठीक है। तो ये इस टाइप से हमारा मेन बैनर हो गया। अब हमें एक बटन लेना है, तो बटन भी हम ले लेते हैं। बटन सिंपल जैसे हमने पहले डिज़ाइन किया था उसी टाइप से हम डिज़ाइन करेंगे बटन को। एक बटन लेते हैं और इसका कलर वाइट है, विदाउट होवर, होवर का ब्लू हो रहा है, तो वाइट हम कलर कर देते हैं। और इसका हम सबसे पहले मोड डिटेल्स कंटेंट चेंज कर देते हैं, मोड डिटेल्स, ठीक है। और ये कैपिटलाइज है वर्ड, अपर केस में है वर्ड, तो इसको हम इसकी सेटिंग करते हैं। सबसे पहले तो हम कलर, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर विल बी वाइट, ठीक है, वाइट कलर हो गया। वाइट कलर पर ब्लू कलर का टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट कलर हमारा हो जाएगा ब्लू कलर, जो मेन कलर है, ठीक है। होवरिंग पर कलर बैकग्राउंड हो जाएगा हमारा ब्लू एंड टेक्स्ट हो जाएगा अपोजिट वाइट, देखिए, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस हमारी हो गई ज़ीरो, तो हमारे इसको रेक्टेंगल शेप में बटन हो गया, ठीक है, सेम इसी टाइप से हो गया। लेकिन ये मोर डिटेल्स का कंटेंट आप देखिए, ये अपर केस में है, ये लोअर केस कैपिटलाइज में है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। टिपोग्राफी में जाइए, तो सबसे पहले तो अपर केस कर दीजिए, ठीक है, अपर केस हो गया। और इस फॉन्ट का अगर आप देखें वेट, तो उसका कम है वेट। बैनर हमारा एकदम कंप्लीट हो गया, मेन बैनर, ठीक है, यानी ये इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें ये थ्री बॉक्सेस ऐड करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक और हम रो लेंगे, थ्री कॉलम वाली रो, ठीक है, और ये इमेजेस हैं, ये आइकन्स हो सकते हैं, इसको हम इंपोर्ट कर देंगे। तो अब हमें इसी टाइप से ये डिज़ाइन करना है। कंटेंट हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम लेते हैं एक आइकन बॉक्स, तो ये हमने एक आइकन बॉक्स ले लिया है। कंटेंट जो हमने कॉपी किया था हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं उस कंटेंट को। ये हेडिंग में हम पेस्ट कर देते हैं टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स, ये हेडिंग में आ गया हमारा ये पार्ट, और ये हमारा डिस्क्रिप्शन में आ गया, ठीक है, और ये हो गया हमारा आइकन। तो हम इसके आइकन को हम चेंज कर लेते हैं। ये आइकन आप डाउनलोड कर सकते हो और भी, बट हम इसमें से चेंज कर लेते हैं जो अवेलेबल हैं। यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हो आइकन को, न्यू आइकन्स को कोई भी डाउनलोड करके। तो यहाँ से हम मेडिकल टाइप का कोई आइकन ले लेते हैं, मान लीजिए हम ये आइकन अभी फ़िलहाल सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अब हमें इसी टाइप से क्रिएट करना है, तो ये कलर हमारा ब्लू है, ये भी ब्लू है, और ये हमारा ग्रे टाइप कलर है, तो कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम आइकन का प्राइमरी कलर हम दे देते हैं मेन कलर, कंटेंट में हेडिंग का कलर हम दे देते हैं मेन कलर, ठीक है, अलाइनमेंट कंटेंट का लेफ्ट में कर देते हैं, जैसा कि इसमें है लेफ्ट अलाइनमेंट, तो वैसा ये हो गया हमारा। और ये हेडिंग का थोड़ा टेक्स्ट चेंज करना है फॉन्ट स्टाइल, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर हम दे देते हैं ये स्टाइल हम दे देते हैं, ठीक है,
इस पेज को मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था लेकिन मैंने ये इतना सेव कर दिया। तो इतना हमने कर लिया था पार्ट, और अभी हमें ऐसा करना है बिल्कुल सेम टू सेम। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पैडिंग देनी होगी इस कंटेंट की, देते हैं हम पैडिंग। होवरिंग पर हमें कलर देना है ब्लू कलर, तो इस सेक्शन को हम सिलेक्ट करेंगे एंड होवर पर हम कर देंगे यहाँ से कलर मेन। ठीक है, ये देखिए आप, और ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो होवर परफेक्ट आ गया। बट होवर पे हमें इस चीज़ का कंटेंट का कलर चेंज करना है, जैसा ये है होवर पर कलर, जैसा ये है ओवर पर कलर उसी टाइप से करना है हमें। तो हम कंटेंट वाला बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, आइकन कलर में हम चले जाते हैं होवर पर, वाइट कलर आइकन, और सभी कुछ हमें वाइट ही करना है होवर पर क्योंकि वाइट ही अच्छा लगेगा। को चेक करना होगा, कुछ कस्टम CSS करनी होगी इसके लिए। या फिर एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा अलग डिज़ाइन कर देते हैं इसका, ठीक है, थोड़ा सा अलग डिज़ाइन कर देते हैं हम इस डिज़ाइन को थोड़ा सा अलग। तो ये हमें वाइट रखना है, हम इस बॉक्स को रखेंगे ब्लू कलर में। ठीक है, और ये हमारा वाइट हो गया। बॉक्स को हम नो गैप कर देते हैं, और ये कंटेंट हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। कंटेंट की स्टाइल कलर्स चेंज कर देते हैं हम, वाइट टेक्स्ट वाइट एंड डिस्क्रिप्शन भी वाइट। ठीक है, ये स्टाइल चेंज कर दी थोड़ी सी हमने, थोड़ा सा डिज़ाइन हम चेंज कर रहे हैं, और ये वाला टैब हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं, और इसको हम मिडिल में स्लाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये बनाया हमने टैब, इसमें ये था, इस टाइप से था, हमने थोड़ी सी डिज़ाइन चेंज करके अच्छा बनाने की कोशिश की है। तो कंटेंट हम यही अपडेट कर देते हैं वहाँ पर भी। और ये हेडिंग है हमारी, तो इसको हम हेडिंग में अपडेट कर देते हैं यहाँ से।
ये सिंबल हम यूज़ कर लेते हैं इसके लिए, और ये कंटेंट भी हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हेडिंग हमारी चेंज हो गई टाइटल, और इसका हम आइकन भी चेंज कर देते हैं। ये हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये तीन आइकन्स हमने यूज़ कर लिए डिफरेंट डिफरेंट, और इस टाइप से हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब ये देखिए, इसके बीच में आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा है, मार्जिन दिया गया, तो वो मार्जिन हम यहाँ पर भी कर लेते हैं, बिकॉज़ इसमें मार्जिन नहीं है कहीं पर भी। तो हम सेक्शन पर सेलेक्ट करेंगे, तो मार्जिन में हम 10 का मार्जिन दे देते हैं। इसमें भी हम 10 का मार्जिन देकर देखते हैं, और ये भी हम 10 का मार्जिन हम दे देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड इसका हम कर देते हैं एकदम ट्रांसपेरेंट। और ये जस्ट इसके नीचे नहीं है, ये बॉक्स ऊपर हैं, ऊपर है ये थोड़े से, तो इसको हम मार्जिन, हमें नेगेटिव मार्जिन देना होगा। टॉप से हम -60, ठीक है। तो ये आप देखिए, -60 से हमारा मार्जिन इस टाइप से आया। और बॉटम से हम हटा देते हैं, बॉटम से हमें कुछ नहीं रखना है। टॉप से थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं 80, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर हमने सेक्शन का कुछ नहीं दिया, इसलिए ये ट्रांसपेरेंट ही दिख रहा है बिल्कुल, तो वो हम कर देते हैं वाइट कलर। बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं वाइट, ठीक है। और ये भी हम कर देते हैं बैकग्राउंड कलर वाइट। अब देखिए आप, लुक सेम इसी टाइप का लुक आ गया, और डिज़ाइन हमने थोड़ी सी चेंज कर दी तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है ना। तो इस टाइप से हमारा ये पार्ट भी डिज़ाइन हो चुका है। ये होवर इफेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कस्टम CSS करना होगा, तो उसमें फिर टाइम लग जाएगा, देखना पड़ेगा। तो अभी हम इतना ही रखते हैं, अपना डिज़ाइन थोड़ा सा मैं चेंज कर दिया, और बेकार भी नहीं लग रहा डिज़ाइन, काफ़ी अच्छा लग रहा, उससे भी अच्छा। अब हमें ये पार्ट डिज़ाइन करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक रो लेनी होगी, टू पार्ट वाली रो ले लेते हैं हम। लेफ्ट साइड वाला पार्ट थोड़ा सा कम हम ले लेते हैं 40%, और राइट साइड वाला 60% हो गया, ठीक है। लेफ्ट में हमें रखना है ये कंटेंट, तो हम यहाँ से ये कंटेंट हेडिंग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। कलर इसका हम चेंज कर देंगे, ब्लू कलर कर देंगे मेन कलर हमारा, और यहाँ से ये हम अपडेट कर देते हैं। ठीक है, ये अपडेट हो गया हमारा। अब आप देख सकते हो रिलायबल एंड एक लाइन में, हाई क्वालिटी अलग अलग लाइन में, और लेबोरेटरी भी अलग लाइन में। तो रिलायबल एंड के बाद हमें एक BR टैग लगाना होगा, उसके बाद हाई के बाद लगा दीजिए, और उसके बाद क्वालिटी के बाद लगा दीजिए, ठीक है। ये चारों डिफरेंट डिफरेंट लाइन में आ गए। इसका वेट थोड़ा सा कम करना है, टेक्स्ट भी हम चेंज कर देते हैं,
और वेट इसका थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये हो गया ठीक है, या एक थोड़ा सा पॉइंट और कम करते हैं, बस ठीक है परफेक्ट, ये हमारा टेक्स्ट हो गया। और उसके बाद हमें ये टेक्स्ट लिखना है, तो इसके लिए तो सिंपल टेक्स्ट एडिटर ले लीजिए आप, और यहाँ से ये कॉपी करिए, कॉपी और यहाँ आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है ये भी आपका आ गया। उसके बाद ये हमें तीन लिस्ट बनानी है, तो इस लिस्ट को आप कॉपी कर लीजिए, ये कॉपी कर लिया, और एक हम लेंगे यहाँ से आइकन लिस्ट, आइकन लिस्ट ये हो गया ठीक है, तीन ही हमें बनानी है, तो इसमें तीन अवेलेबल हैं, बट हम अभी सभी डिलीट कर देते हैं, पहले एक लिस्ट को अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। तो एक लिस्ट है हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है कट, और इसका आइकन है एरो, एरो है आइकन इसका, देख लेते हैं और आइकन एरो के कैसे कैसे हैं। ये वाला आइकन है इसका ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाला आइकन है, ये वाला भी ले सकते हैं, अब ये हम ये वाला ले लेते हैं और इंसर्ट कर देते हैं, देखो ये वाला आइकन, और आप ये देख सकते हो एक साथ, बस चेंज क्या करना है, हमें चेंज करना है आइकन का कलर, कलर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, आइकन कलर हम रख देते हैं मेन ब्लू, एंड होवर कलर हम रख देते हैं फूटर कलर ब्लू। तो अब देखो आप ये हो गया आपका, और ये आइकन लिस्ट है आपकी, इसको आप कॉपी कर सकते हो, थ्री पार्ट में कर लीजिए, और यहाँ से आप जो रिमेनिंग टू रह गए वो आप ऐड कर दीजिए, ठीक है ये तीनों आपके हो गए कंप्लीट। उसके बाद एक हमें ये इमेज ऐड करनी है, इस इमेज को ऐड कर लेते हैं, ये हो गया आपका इमेज ठीक है, तो इस इमेज को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, यहाँ से इमेज बॉक्स लेकर एक और अपलोड कर लेते हैं इसको, यहाँ से हमारा आ गया सेम इमेज ठीक है। अब आप चेक करिए ये इमेज यहाँ पर ऐड हो गई है, एक बटन और देना हमें सर्विस का, तो बटन हमने पहले ही क्रिएट किया था, ये इसको हम कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, तो ये बटन हमारा आ गया, इसमें हमें सिर्फ बॉर्डर यूज़ करना, अभी बॉर्डर नहीं है तो बॉर्डर हम लगा देते हैं। तो आप स्टाइल में जाइए एंड बॉर्डर में आप सॉलिड करिए, बॉर्डर में विड्थ दे दीजिए ठीक है, और कलर आप दे दीजिए ब्लू, बॉर्डर कलर आपका रहेगा वही सेम कलर ब्लू, और मोर डिटेल्स की जगह आप यहाँ पर कंटेंट चेंज कर दीजिए आप सर्विसेज ठीक है। तो ये सेम हो गया सर्विसेज, ये हो गया आपका एकदम सेम हो गया बटन भी आपका ठीक है। अब आप थोड़ा सा लुक देखिए कैसा लग रहा है, ये इस टाइप से कुछ दिख रहा है ठीक है, ये इमेज आ गई, और इसमें वैसे थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा कंटेंट में आराम चाहते हैं, इमेज और दोनों एक साथ सेट हो जाए, तो हम एक काम करते हैं यहाँ से बी आर टैग हटाते हैं, एंड क्वालिटी लेबोरेटरी से भी बी आर टैग रिमूव कर देते हैं, और इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देते हैं 45,
और अब देखते हैं कैसा आएगा हमारा। हाँ जी, ये देखिए इस टाइप से हो गया, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। बटन के ऊपर पैडिंग दे देते हैं थोड़ी सी, जिससे कि ऊपर से थोड़ा सा अलग लगे। 20 की, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप से हो गया। अब हमें यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये पैडिंग दी गई है और ये पैडिंग नीचे भी दी गई है। तो हम यहाँ पर भी ऐसा ही करते हैं, सेम पैडिंग देते हैं टॉप से 50 एंड बॉटम से 50, ठीक है। ये पैडिंग हमने यूज़ कर दी और ये अब हमारा इस टाइप से कुछ आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा काफ़ी। थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, इसमें ये सेक्शन सेम ही लग रहा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर हम सेक्शन का चेंज कर देते हैं, जिससे के लिए डिफरेंट बनाया जा सके इसको। तो हम ये इसमें कलर रख देते हैं, वाइट में ही कोई कलर या फूटर का जो टेक्स्ट कलर था वो देखते हैं अप्लाई करके। हाँ यस, तो ये थोड़ा सा हमने सेक्शन अलग करने के लिए बैकग्राउंड कलर दे दिया, जिससे कि पता चले कि ये सेक्शन डिफरेंट है और ये सेक्शन डिफरेंट है, और अच्छा भी लग रहा है देखिए काफ़ी, है ना। थोड़ा सा और इसका हम कलर वाइट टाइप में कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब देखिए अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, सेक्शन भी अलग लग रहा है और कलर भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, उसके बाद इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आते हैं हम, एक्सप्लोर अवर मेन सर्विसेज। तो इसके लिए भी हम एक रो ले लेते हैं, ठीक है। रो लिया हमने, हेडिंग के लिए हमने कॉपी कर लिया, ये सेम कलर है तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यही हेडिंग हम रखेंगे। और यहाँ से हम इस सर्विस को, हेडिंग के कंटेंट को हम चेंज कर देते हैं, उसको मिडिल अलाइनमेंट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये था मिडिल, उसके बाद हम ये सब हेडिंग लेते हैं और यहाँ से इसको हम सब हेडिंग में टेक्स्ट एडिटर में लेकर ले सकते हैं, ठीक है। और इसको भी हम मिडिल में कर देते हैं और इसमें हम ब्रेक टू लगा देते हैं मिटूज के बाद। तो यहाँ पर हम ब्रेक टूल लगा देते हैं, जिससे कि दो लाइन में आए अच्छे से। यहाँ हम ब्रेक टूल लगा देते हैं, टेक्स्ट में जाइए आप और मी टू उसके बाद। ये हमने ब्रेक टूल लगा दिया, ठीक है। अब एकदम हमारा परफेक्ट हो गया, हेडिंग सब हेडिंग हो गई, इतना पार्ट हो गया डिज़ाइन। अब उसके बाद ये हमें लिस्ट लगानी है, तो इस लिस्ट को हमने, ये बनाई थी हमने लिस्ट, इसको अभी फ़िलहाल कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी ये वर्टिकल में आ रहे हैं तो इसको हम इन लाइन कर देते हैं। तो देखिए इन लाइन आ गई एक लाइन में। अब इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट का टेक्स्ट कलर हम कर देते हैं ब्लू और थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं इसको। हाँ देखिए अब, और एरो की डिज़ाइन चेंज कर देते हैं अब, ठीक है। तो एरो की डिज़ाइन चेंज करने के लिए सिंपल एरो आप चेंज कर लीजिए, ये वाला एरो यूज़ किया गया है, नहीं ये नहीं है एरो, हम देखते हैं कौन सा यूज़ किया गया है। तो ये वाला एरो यूज़ किया गया है, ठीक है। ये एरो हम सभी में रख देते हैं, और इसमें भी हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए आपके सामने ही मैं सभी कुछ डिज़ाइन कर रहा हूँ फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। अब ये इन्होंने एक साइड में दे दिया है,
ठीक है, ये एक साइड में दे दिया इन्होंने, तो इसको हम मिडिल में शिफ्ट कर देते हैं। और अब हम ये डिज़ाइन करते हैं इतना पार्ट, इसको कॉपी कर लेते हैं। इनर सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, इनर सेक्शन ले लिया हमने इसके लिए। और इनर सेक्शन के लिए अब हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट में तो इमेज है, एक पार्ट में कंटेंट है, तो एक में हम इमेज ले लेते हैं और एक जो हमारा कंटेंट वाला पार्ट है तो कंटेंट के लिए हम यहाँ से ये पार्ट ले लेते हैं और ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद एक बटन दिया गया है मोर डिटेल्स का, कॉपी मोर डिटेल्स का हम बटन देते हैं अब, और एक बॉर्डर ऐड कर देते हैं बटन में, ठीक है। और बॉर्डर का कलर हम दे देते हैं मेन अपना ब्लू कलर, ठीक है, परफेक्ट है एकदम। और ये सब कुछ हो रहा है सही एकदम। बस अभी हमें एक इमेज ऐड करनी है, इसको बटन को थोड़ा सा इस अलाइनमेंट पर करना है, तो वो भी हम कर देंगे, अभी हम करेंगे वो भी। सबसे पहले इमेज सेव कर लेते हैं, यहाँ से हम इमेज अपलोड कर लेते हैं और ये इमेज हमारी आ गई है, ठीक है, ये इमेज हमारी आ गई है। पैडिंग दे देते हैं हम लेफ्ट साइड से हम दे देते हैं पैडिंग 50, और इस पैडिंग को हम कर देते हैं 0, इसकी पहले से ही पैडिंग है तो इसलिए ये दिखा रहा है पैडिंग, इसको हम 0 कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इस सेक्शन को हम मिडिल में कर देते हैं, मिडिल में आना चाहिए ये, यहाँ से ये मिडिल में आ जाएगा, ठीक है। अब आप चेक करिए एक बार तो देखिए कैसा लग रहा है आपको, परफेक्ट एकदम। ये बॉर्डर दिया गया, इस बॉर्डर को हम मेंटेन कर सकते हैं, बॉर्डर भी दे सकते हैं, तो हम दे देते हैं बॉर्डर को भी। तो ऊपर से टॉप से हम पैडिंग देते हैं सबसे पहले 50 की, ठीक है, उसके बाद 50 नहीं 40 दे देते हैं और बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर में जाइए आप और सॉलिड का बॉर्डर, सभी साइड में बॉर्डर नहीं देना, हमें टॉप पर देना है, टॉप पर कर दिया। और अब आप देखिए ये टॉप पर बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज है, वेट थोड़ा कम है तो वो आप कर सकते हो, थिकनेस इसकी 1 कर सकते हो, कलर आप अपने अकॉर्डिंग ये कर दीजिए फूटर टेक्स्ट कलर, ठीक है। अब हो गया एकदम परफेक्ट उसी की तरह सेम, जी हाँ, तो सेम उसी की तरह हो गया, ये बॉर्डर हो गया आपका अप्लाई। और इसमें हम पैडिंग देते हैं मेन टॉप से 50, बॉटम से 50,
तो ये हमारा इतना पार्ट हो गया डिज़ाइन, ठीक है। इसको हम अपडेट करते हैं इतने पार्ट को और चेक करके हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं, डेमो वेबसाइट को कैसी लग रही है हमारी। अच्छा, अभी हमने फ्रंट पेज साइड नहीं किया, लिंक चेंज नहीं किया, तो अभी हम क्या करते हैं कि इस वेबसाइट में जो फ्रंट के नाम से हमने बनाया था वही एंटर कर देते हैं। सेट करना होगा फ्रंट पेज, तो जब हम सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यही पेज इस वेबसाइट पर ओपन हुआ करेगा, डेमो वेबसाइट पर। देखिए आप कैसा लग रहा है आपको लुक इसका, खुद चेक करिए आप कितना अच्छा लुक लग रहा है। सेक्शन भी अलग, ये सब सेक्शन बन गए, क्रिएट हो गया है ना, एकदम परफेक्ट वेबसाइट लग रही है। कस्टम जब आप डिज़ाइन करोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब अदर सेक्शंस डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा पार्ट, एक ये पार्ट हो गया और ये पार्ट रह गया अभी, और फिर ये पार्ट हमें डिज़ाइन करना है काउंटर वाला, और एक ये कॉल टू एक्शन पार्ट डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करते हैं, तो इसके लिए हम एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम कॉपी करके और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इस पार्ट में कुछ नहीं है, इस पार्ट में एक बैकग्राउंड इमेज लगानी है और ये कंटेंट चेंज करना है, बटन चेंज करना है, सिंपल और कुछ नहीं। तो इसको इमेज को रिमूव कर देते हैं हम, ये सेक्शन भी हम डिलीट कर देते हैं, ये आ गया, ठीक है। सबसे पहले बैकग्राउंड में हम इमेज ही चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, इमेज में हम रख देते हैं। ये वाली इमेज हम ऐड कर देते हैं, इंसर्ट मीडिया, वो इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इमेज हमारी आ चुकी है और इसका ओवरले कलर भी हम देते हैं, ओवरले कलर, ठीक है, ये ओवरले कलर आ गया इसका। अब इस कंटेंट को हम मिडिल में कर देते हैं और ये कंटेंट हमें यूज़ करना है, तो सिंपल आप अपडेट कर दीजिए। सब हेडिंग नहीं चाहिए हमें, बटन चाहिए ओनली, इसको डिलीट कर दीजिए और बटन ही चाहिए ये। तो ये वाला एक तरीके से हमें, ये वाला बटन हम ले सकते हैं कॉपी एंड यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको पेस्ट, और इस बटन को हम कर देते हैं डिलीट, इस बटन को हम मिडिल में कर देते हैं, ठीक है। अब ये एक्सेप्ट के बाद दूसरे लाइन में आ रहा है, तो वही हमें करना होगा टेक्स्ट के लिए। एक्सेप्ट के बाद ब्रेक टैग लगाना होगा, तो ये देखिए दूसरी लाइन में आ गया। कलर आप इसका वाइट कर दीजिए, ठीक है। अब चाहो तो आप इस टाइप का हेड मतलब बटन बना सकते हो, ट्रांसपेरेंट, और ऐसा भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो हम इस बटन को डिलीट करते हैं और इस बटन का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको हम ट्रांसपेरेंट सबसे पहले करते हैं, बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट, और टेक्स्ट कलर हम रखते हैं वाइट, ठीक है। बॉर्डर कलर हम रख देते हैं वाइट, चेक करिए आप सेम हुआ नहीं हुआ। और होवरिंग में, होवर में बॉर्डर कलर हम रख देते हैं सेम एज ब्लू, ये चेक करिए आप, ठीक है, हो गया कंप्लीट, यस सेम इफेक्ट आ गया। और यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, सेम इफेक्ट आ गया बिल्कुल। अच्छा, पैडिंग इसकी नीचे से ज़्यादा है क्योंकि ये पार्ट हमें मार्जिन इसकी माइनस में करके लाना होगा,
आपको, इसीलिए नीचे से हम पैडिंग ज़्यादा देंगे, ऊपर से 20 ही 50 ही रखेंगे, नीचे से हम कर देते हैं इसकी पैडिंग 350। ठीक है, ये हो गई हमारी पैडिंग, या फिर हम 350 सही है, और ऐसे ही रहने दीजिए इसको। ठीक है, टॉप से चाहो तो पैडिंग और भी दे सकते हैं, हम 50 रख सकते हैं, 80, तो ये 80 पैडिंग आ गई। ठीक है, अब उसके बाद हमें एक रो लेनी है जिसमें ये कंटेंट रखना ब्लू कलर की, तो यहाँ पर हम एक रो ले लेते हैं, ये नेगेटिव में जाएगी, और इसको भी हम दो पार्ट में कर लेते हैं, दो कॉलम में, बिकॉज़ दो पार्ट में है, एक साइड में ये आएगा, एक साइड में ये आ जाएगा, तो इसको हम कर देते हैं, ये कंटेंट हम रखना है, तो हम मान लीजिए ये ले लेते हैं कॉपी, एंड यहाँ पर ये पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और कलर इसका ब्लू रखेंगे हम, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो हमें ये हेडिंग रखनी है इसकी, हेडिंग चेंज कर लेते हैं, और कंटेंट भी हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमें यूज़ करना है, तो सिंपल इसके लिए हम ये कॉपी कर लेते हैं, ये पार्ट कॉपी, एंड इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, और इसको हम बॉटम अलाइन कर देते हैं, ये बॉटम अलाइन हो गया, जैसा कि ये है बॉटम अलाइन, और कलर हम इसका चेंज कर देते हैं, वाइट कलर कर देते हैं, आइकन कलर भी हम वाइट कर देते हैं, ये कलर भी हम चेंज कर देते हैं, और टेक्स्ट कलर भी हम वाइट कर देते हैं। इसमें हम डिवाइडर का यूज़ भी कर सकते हैं, और डिवाइडर यूज़ नहीं करना तो ऐसा भी रख सकते हैं। स्पेस हम दे सकते हैं बीच में, तो ये इस टाइप से अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा दूर ना, ये हमारा हो गया अपना पार्ट। तो इसमें हमें अब क्या करना है कि टॉप से हम पैडिंग देते हैं कुछ, मान लीजिए 30 पैडिंग टॉप से, 30 बॉटम से, ये पार्ट आ गया हमारा, और उसके बाद हम इसमें मार्जिन देते हैं, इसमें हम इनर कॉलम, इनर सेक्शन ऐड कर देते हैं, और इनर सेक्शन में क्या करते हैं हम कि इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देते हैं, और इस सेक्शन को यहाँ प्लेस कर देते हैं। ठीक है, दोनों ही सेक्शन को, और इसको हम बॉटम अलाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, तो इस सेक्शन को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम पैडिंग देते हैं लेफ्ट और राइट साइड से, तो टेन परसेंट की पैडिंग राइट से देते हैं, और 10% की लेफ्ट से, तो ये इस टाइप से कुछ आ जाएगा आपका। ठीक है, और अब इसको आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है,
अलाइनमेंट आप नेगेटिव में कर दीजिए इसका अलाइनमेंट, और माइनस ये इस टाइप से आप दे सकते हैं। देखिए ये इस टाइप से अलाइनमेंट आप दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पार्ट की थोड़ी सी पैडिंग आप इंक्रीज कर दीजिए 40 एंड 40। अब आप चेक कर सकते हैं सेम इसी टाइप का पार्ट हमारे पास डिज़ाइन हो चुका है। ठीक है, कलर इसका थोड़ा सा अलग लग रहा है, आई थिंक मे बी इसमें फूटर का जो ब्लू कलर है वो यूज़ किया गया है, तो हम वही रख देते हैं इसका कलर, जो फूटर का हमारा ब्लू कलर है, हाँ ये कलर रख दिया, तो अब सेम हो गया कलर। ठीक है, तो ये पार्ट भी हमारा डिज़ाइन हो गया। उसके बाद हम ये पार्ट डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, एक रो लेंगे जिसमें हमें ये कंटेंट रखना है, कॉपी दिस कंटेंट टाइटल एंड यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, अलाइनमेंट लेफ्ट में कर देते हैं बिकॉज ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, और वर्ल्ड के बाद ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है तो वो हम BR टैग का यूज़ कर लेंगे, ये वर्ल्ड के बाद BR, ठीक है, कि नेक्स्ट लाइन में हो गया, इतना हो गया। उसके बाद ये हमें काउंटर्स लगाने हैं, ये भी हम लगा सकते हैं, काउंटर्स के लिए मैं एक पहले तो इनर सेक्शन ऐड करने होंगे, कितने काउंटर्स हैं इतने सेक्शन, 4 काउंटर्स हैं तो 4 सेक्शन हम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और एक सेक्शन को हम बनाते हैं काउंटर, जैसे हम इसमें डालेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, काउंटर ऐड हो गया, तो 95 है, और प्रोजेक्ट स्टाफ कंट्रोल सी, यहाँ पर आप फुल नंबर की जगह पेस्ट कर दीजिए टाइटल में प्रोजेक्ट स्टाफ, एंड यहाँ पर आप 95 कर दीजिए, और इसका कलर आपका कौन सा, ब्लू कलर है, तो वो भी हम चेंज कर लेंगे। यहाँ से टेक्स्ट का कलर हम कर लेते हैं चेंज, ठीक है, ये हो गया ब्लू। तो सेम इसी टाइप में हमें रखना है, ये इतना हो गया कंप्लीट, तो इसको आप डुप्लीकेट कर दीजिए, तो इधर कर दीजिए, ठीक है, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो आप, तो ये हो गया। अब स्टाफ कंफर्ट, स्टार्स कंफर्ट 30 है, तो यहाँ पर आप स्टार्स कंफर्ट 30 कर दीजिए, इसमें आप ये नंबर प्रीफिक्स और सफिक्स लिखा है तो यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पर प्लस कर सकते हो आप, प्लस करोगे तो ऐसे दिखाएगा ये 30 प्लस स्टार्स कंफर्ट, एंड इन रूम्स ऐड कर दीजिए आप, ये रूम्स हो गया। ठीक है, कितने 19 रूम्स हैं, तो आप 19 कर दीजिए, और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप ऐड कर सकते हो, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 8 ईयर्स, तो यहाँ पर आप 8 कर सकते हो, और प्लस करना चाहो तो प्लस भी कर सकते हो, 8 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यानी 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अब ये थोड़ा सा इसका जो हेडिंग है वो कम है, टेक्स्ट हाइट उसकी साइज़ कम है टेक्स्ट का, तो यहाँ हम कर देते हैं 40 या फिर हम 38 कर देते हैं। ठीक है, तो ये साइज़ हमने रख दिया, अच्छा पैडिंग दी गई है टॉप से बॉटम से, तो पैडिंग का भी हम यूज़ कर देते हैं टॉप एंड बॉटम से, यहाँ से हम अपनी पैडिंग ऐड कर देते हैं 50 एंड बॉटम से 50। ठीक है,
ये हमारी पैडिंग ऐड हो गई। अब हमारा एक लास्ट पार्ट आ गया कॉल टू एक्शन का, CTA का। ये पार्ट हमें डिज़ाइन करना है सेम, तो इसके लिए भी हम एक रो क्रिएट कर लेते हैं। एक रो लिया हमने, ठीक है। इसके बैकग्राउंड में आपको एक इमेज शो हो रही होगी, कोई भी इमेज आप ऐड कर सकते हो। इसमें एक लेबोरेटरी की इमेज है बैकग्राउंड में, तो कोई भी इमेज हम एक ले लेते हैं। और यहाँ से हम एक इमेज बैकग्राउंड में लगा देते हैं, ये वाली लगा देते हैं, ठीक है। और ओवरले कलर इसमें ब्लू हो गया है, तो ब्लू ओवरले कलर दिया जाएगा। कलर ओवरले हो गया आपका मेन कलर ब्लू, एंड ओपेसिटी इसकी इंक्रीज़ की जाएगी। ये हो गई ओपेसिटी इंक्रीज़। अब यहाँ से हमें ये चाहिए दो चीज़ें, ठीक है। तो हम वाइट टेक्स्ट ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाला हम उठा लेते हैं, इसको कॉपी एंड पेस्ट। दो कॉलम बना लेते हैं, बिकॉज एक कॉलम में बटन भी आएगा हमारा, और एक कॉलम में हमारा ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी। और इस पार्ट की हम देते हैं इसको 70%, और ये हमारा 30% हो गया, ठीक है। इस टाइप से हो गया। इन दोनों के बीच की स्पेसिंग भी आप कम कर सकते हो, जैसे कि इसमें है स्पेसिंग कम है बीच की, तो आप इसमें भी कर सकते हो स्पेसिंग कम, वो हम कर देते हैं। सबसे पहले तो इसको सीधा कर देते हैं, और यहाँ से ये स्पेसिंग है टाइटल और डिस्क्रिप्शन की, इसको हम कर देते हैं 10, या रिमूव ही कर देते हैं इसमें 0, ठीक है। ये हो गया, 0 कर दिया हमने स्पेसिंग। बटन हमारा एक बटन आ जाएगा मोर डिटेल्स का, हमने पहले क्रिएट भी किया था एक मोर डिटेल्स का बटन। इस बटन को हम कॉपी करके और यहाँ हम कर देते हैं पेस्ट। चाहो तो आप इस टाइप का बटन भी रख सकते हो, तो नहीं तो आप ये वाइट और उसके बाद ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। तो अभी ये वाइट है, तो इसको हम वाइट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका, बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं इसका वाइट, ठीक है। टेक्स्ट कलर हम कर देते हैं इसका ब्लू, ब्लू हो गया टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर वाइट। अब उसके बाद होवरिंग पर हमें ट्रांसपेरेंट करना है, होवर पर बैकग्राउंड कलर हमें करना है इसका ट्रांसपेरेंट। होवर पर ट्रांसपेरेंट हो गया, होवर पर बॉर्डर कलर हमें करना वाइट, वाइट बॉर्डर कलर हो गया। आप देख सकते हैं, ठीक है, यही इफेक्ट आ गया, सेम इफेक्ट आ गया। कंटेंट चेंज करना है इसका, तो मोर डिटेल्स करना है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। मोर डिटेल्स, अब ये ऊपर आ रहा है तो इसको मिडिल में करना है। सेक्शन पर क्लिक करिए और मिडिल अलाइनमेंट आप कर दीजिए, ठीक है। तो ये इस टाइप से हो गया। और ओवरले कलर थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देते हैं, 0.9 तो था, 1 देखते हैं करके, 1 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 0.95 ये सही है, ठीक है। एडिंग देते हैं ऊपर से 30, नीचे से 30, तो पैडिंग देकर देखते हैं, या 20-20 देते हैं, तो मतलब से ये हो गया आपका, ठीक है। अब आप चेक करिए ये चीज़। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ, फिर उसके बाद आप वेबसाइट का लुक चेक करिए कैसा लग रहा है आपको, लुकिंग वाइज वेबसाइट कैसा लग रहा है। तो फ्रंट डेमो का ही पेज था, यहाँ से आप जाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब ये कंप्लीट एक वन पेज रेडी हो गया, कंप्लीट लैंडिंग पेज, होम पेज आपका रेडी हो गया, क्रिएट हो गया अच्छे से, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। और देखिए कितना अच्छे से, कितना बढ़िया लुक आया, ये सब कुछ वैसा ही बनाया गया। ये काउंटर्स वर्क कर रहे हैं, कॉल टू एक्शन भी काम कर रहा है, सब कुछ एवरीथिंग काफ़ी अच्छा हो गया है ना। और इस वेबसाइट से भी अच्छा लग रहा है देखने में, अगर आप देखोगे क्वालिटी वाइज तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन किया गया काफ़ी अच्छे से। तो इसको आप ऐसा ही कर सकते हो। अब क्या है कि अभी हम
फ्रंट इसका URL एंटर कर रहे हैं तभी ये शो हो रहा है, मेन वेबसाइट पर ये शो नहीं हो रहा है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेन वेबसाइट हो गई, डेमो वेबसाइट, इस पर शो नहीं हो रहा, वो पुरानी वाली साइट शो हो रही है और फ्रंट पेज हमारा रेडी हो चुका है, हमने क्रिएट कर लिया कंप्लीट। तो अब हमें क्या करना होगा कि आपको कुछ नहीं करना, एग्जिट टू डैशबोर्ड पर करिए और डैशबोर्ड पर जाने के बाद वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आप चले जाइए। और उसके बाद सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है सेटिंग्स में, जर्नल सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पर आप रीडिंग में जाइए। रीडिंग में जब आप जाओगे तो अभी यहाँ होम पेज पर होम सेलेक्ट है, होम नाम से जो पेज है वो सेलेक्ट है, लेकिन यहाँ पर आप और भी पेजेस देख सकते हो जो सेलेक्ट कर सकते हो। तो होम पेज को हम फ्रंट वाला जो हमने अभी बनाया वो सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ से जैसे ही सेव चेंजेस करेंगे तो अभी ये वेबसाइट थी होम पेज पर, अब देखिए हमारी वो वेबसाइट हो जाएगी रेडी। देखिए अब बताइए आप कैसा लग रहा है आपको, इसमें आप और भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो काफ़ी अच्छे। इन पर ये जो बटन्स हैं इनमें आप होवरिंग इफ़ेक्ट, होवरिंग मोशन दे सकते हो, इमेजेस में मोशन दे सकते हो, इसमें कंटेंट में मोशन दे सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। और ये हेडर जो पार्ट है अभी स्टिकी नहीं हो पा रहा है, जब आप स्क्रॉल करोगे तो ये पार्ट स्टिकी होना चाहिए, काफ़ी अच्छा लगता है स्टिकी होने से। वो पेड प्लगइन जो इसका आता है एलिमेंटर का, उसमें अवेलेबल होता है, तो पेड प्लगइन आप ले सकते हो, मुझे आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगा कैसे आप सस्ता ख़रीद सकते हो एलिमेंटर प्लगइन को और आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं अच्छे से। और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है आपको तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट वेबसाइट, एक कंप्लीट लैंडिंग पेज, होम पेज क्रिएट हो गया। इसी तरीके से आप अदर पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कॉन्टैक्ट पेज भी सेम, मैंने आपको बेसिक्स बता दिया, आप इजीली अब कर लोगे कंप्लीट। इसके आने वाली वीडियो में मैं एक कंप्लीट एलिमेंटर का ऐसा ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें हर ब्लॉक्स जो एडऑन्स हैं उसमें जो उसके फीचर्स हैं हर एक फीचर्स के बारे में डिटेल से बनाऊंगा। हो सकता है 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट हो पाए, एक एक पार्ट फीचर्स के कवर कर लेंगे, बेसिक्स के फीचर्स पहले एक वीडियो में कवर कर लेंगे, उसके बाद एडवांस वाले कर लेंगे, तो 2 वीडियोस में एलिमेंटर का बन जाएगा बढ़िया सा। जब तक आप प्रैक्टिस करिए अपनी साइट की, डेमो साइट बनाइए, होस्टिंग वगैरह में कोई दिक्कत आ रही हो वो भी आप अपना इशू कमेंट कर सकते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। अब आप देख सकते हैं इनसे भी जो इनकी वेबसाइट है उससे भी काफ़ी अच्छी ये वेबसाइट हमारी लग रही है ना, कितनी अच्छी लग रही है लैब के अकॉर्डिंग। तो इसी टाइप से आप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।